हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मोरेगुलेशन के बारे में। सो पोइकिलोथर्मिक एंड होम्योथर्मिक एनिमल्स जो कि MSc के सिलेबस में आता है, तो उसके बारे में देखेंगे। पहले हम देखेंगे डिफरेंस दोनों के बीच में, एंड फिर देखेंगे हम थर्मोरेगुलेशन इंडिविजुअली दोनों टॉपिक पे। पहले देखेंगे होम्योथर्मिक के ऊपर, फिर हम थर्मोरेगुलेशन देखेंगे इन पोइकिलोथर्मिक के बारे में। ठीक है, फिर हम थोड़ी बहुत सिमिलरिटी भी है, वो भी एक दो पॉइंट है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो को, चलो शुरू करते हैं। पोइकिलोथर्मिक जो एनिमल्स होते हैं पोइकिलोथर्मिक, ठीक है, उसमें वेरिएबिलिटी होती है बॉडी टेम्परेचर में अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर वो कोल्ड एनवायरनमेंट में है तो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो कोल्ड रहता है। ठीक है, और होम्योथर्मिक के एनिमल में ऐसा नहीं होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बात कर लेते हैं, तो अगर हम ठंडी में होते हैं, सर्दी में होते हैं, तो हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, एनर्जी है प्रोड्यूस होगी, तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर और वो हीट मेंटेन हो जाती है। ठीक है, चाहे ठंडी में हो चाहे, लेकिन पोइकियोथर्मिक एनिमल में है वो बॉडी टेम्परेचर उनका ठंडा ही हो जाता है ठंडी में। ठीक है, तो वो कांस्टेंट नहीं होता है पोइकियोथर्मिक में। होम्योथर्मिक में बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, दूसरी बात, जो पोइकियोथर्मिक जो एनिमल्स होते हैं वो है ओवी पेरस है, मतलब वो एग है वो ले करते हैं, एग देते हैं। ठीक है, जो एग पहले एग देते हैं उनमें से वो एग हैच करके उनमें से है वो बच्चे है वो पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे होम्योथर्मिक एनिमल है वो दोनों प्रकार के होते हैं, मोस्टली वीवी पेरस होते हैं वो। ओके, वीवी पेरस मतलब जो लाइव है वो एनिमल है वो अपनी बॉडी से वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग नहीं देते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, जो पोइकिलोथर्मिक जो एनिमल है वो मोस्ट ऑफ द देम हैव गिल्स फॉर रेस्पायरेशन, तो उनके अंदर जो रेस्पायरेशन के लिए है वो गिल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फिशेज है उसमें गिल्स होते हैं रेस्पायरेशन के लिए, और जो होम्योथर्मिक एनिमल है उसमें है वो लंग्स होते हैं रेस्पायरेशन के लिए। ओके, सो पोइकिलोथर्मिक है उनमें क्या है, दे हैव टू और थ्री चैम्बर हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को छोड़कर जो भी अपने पोइकिलोथर्मिक एनिमल है उनमें हार्ट के चैम्बर है वो दो या तीन ही होंगे। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जैसे कि हम होम्योथर्मिक एनिमल है उनमें हमारे अंदर जैसे कि चार चैम्बर होते हैं हार्ट में। ठीक है, सो दो आर्टियल एंड वेंट्रिकल आपको पता ही है। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट इज पोइकिलोथर्मिक एनिमल है, देयर स्किन इज कवर्ड विथ वाटर प्रूफ स्केल्स और आर नेक्ड। सो वाटर प्रूफ स्केल्स है वो, सो वाटर प्रूफ है वो स्केल्स है, जैसे कि क्रोकोडाइल के ऊपर स्केल जो स्नेक होते हैं उसके ऊपर भी स्केल्स है वो वाटर प्रूफ है वो पाए जाते हैं, तो उस प्रकार से स्किन है वो वाटर प्रूफ स्केल्स है उससे है वो कवर होती है। और होम्योथर्मिक एनिमल है उसमें जो हेयर्ड है, हेयर फिदर, फिदर यानी जो जैसे कि बर्ड के ऊपर पंख टाइप में होते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की स्किन होती है। ठीक है, एंड दे आर कोल्ड, जो पोइकिलोथर्मिक एनिमल है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। ठीक है, एंड जो हम होम्योथर्मिक एनिमल्स है दे आर कोल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, गर्म खून के होते हैं, गर्म खून के। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं होम्योथर्मिक। एंड जो पोइकिलोथर्मिक एनिमल है उनमें पीसीज, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, ये सब है वो, एम्फीबिया रेप्टाइल एंड पीसीज ये सब आते हैं पोइकिलोथर्मिक। एंड जो होम्योथर्मिक एनिमल में एविज आते हैं, अपनी मेमल्स आते हैं हम। एंड पोइकिलोथर्मिक एनिमल में टेम्परेचर ऑफ हैबिटेट ऑफ इन्वायरमेंट इफेक्ट दियर बॉडी टेम्परेचर, तो उनका जो इन्वायरमेंट है जैसे कि ठंडी और गर्मी, सो वो सब इफेक्ट करता है। लेकिन जो होम्योथर्मिक एनिमल में है वो टेम्परेचर और ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट यानी आवास, ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं, तो उनका इन्वायरमेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन बॉडी टेम्परेचर, तो वो इफेक्ट नहीं करता है बॉडी टेम्परेचर। एंड
एंड पॉइक्लोथर्मिक दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टोथर्मिक एनिमल्स. एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं पॉइक्लोथर्मिक एनिमल को. एक्टोथर्मिक यानी एक्टो और एंडो दो टर्म आते हैं. एक्टो यानी बाहर से, थर्मिक यानी बाहर के, थर्मिक यानी टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो एक्टोथर्मिक एनिमल हो गया. ठीक है, पॉइक्लोथर्मिक. एंड होम्योथर्मिक है वो, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स, बिकॉज एंडो थर्मिक, एंडो यानी अंदर, अंदर बॉडी के टेम्परेचर में है वो, अंदर है वो, कांस्टेंट रहता है अंदर से ही, हीट प्रोड्यूस होकर वो अपना कांस्टेंट कर लेता है. ठीक है, सो इसका पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स के एग्जांपल है फिश, फ्रॉग, स्नेक, ये सब एग्जांपल है पोइक्लोथर्मिक के. एंड जो अपने होम्योथर्मिक एनिमल्स है उनमें बर्ड है आ गया, काउ एंड मैन, ये सब है होम्योथर्मिक एनिमल्स के एग्जांपल है. बात करते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स में थर्मोरेगुलेशन के ऊपर. ओके, तो होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली एंडोथर्मिक इन नेचर. सो पीछे एक स्टेटमेंट में हमने देखा था होम्योथर्मिक, मोस्टली जो होम्योथर्मिक एनिमल है वो एंडोथर्मिक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा था कि सारे ही एनिमल जो होम्योथर्मिक है वो एंडोथर्मिक होते हैं. तो है वो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही होम्योथर्मिक एनिमल है वो एंडोथर्मिक हो, यानी अंदर से ही टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हो. दिस इज बिकॉज सम होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म मे कॉन्टेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर थ्रू बिहेवियर मैकेनिज्म. सो एंडोथर्मिक में तो जैसे मेटाबॉलिक एंड अदर प्रोसेस के थ्रू है वो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाता है, लेकिन कुछ में है वो बिहेवियर मैकेनिज्म होते हैं. ठीक है, उससे वो जैसे है कंट्रोल होता है. सो many reptiles such as desert lizard and use this strategy behaviorally, and there are lots of advantage in this mechanism of homeothermy. to bahut sare advantage hai homeothermy animals ke paas. the enzyme homeothermic ke andar jo enzyme hote hai have a relatively narrow temperature range. narrow temperature range hoti hai unki activity ki, jaise ki hamare andar hi jaise maan lo hai wo 30 से 35 डिग्री तक मान लो एंजाइम है वो काम कर सकते हैं एकदम बढ़िया. उससे कम या ज़्यादा है टेम्परेचर पर वो इतना काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो नेरो टेम्परेचर रेंज होती है उनकी काम करने की. देयरफॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज़ ऑप्टिमल इन इन दिस नेरो टेम्परेचर रेंज. इस रेंज में उनकी है वो वर्क है एंजाइम की ऑप्टिमल होती है. ठीक है, टेम्परेचर आउटसाइड दिस रेंज कैन रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द इनइफिशियंसी ऑफ एंजाइम. तो इस रेंज के बाहर का जो टेम्परेचर होगा उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाएगी. ठीक है, रिएक्शन धीरे होगी फिर. ठीक है, कोई भी रिएक्शन मान लो कुछ भी. ठीक है, बिकॉज एंजाइम की एफिशियंसी वो कम हो जाएगी. हैंस होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म विथ ए फेयरली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दिस इज एन हैंस होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म विथ ए फेयरली कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर कैन स्पेशलाइज इन एंजाइम्स देट आर एफिशियंट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो अलग अलग टेम्परेचर पर कौन सा एंजाइम है वो एफिशियंस होता है उस पर वो काम करता है. ठीक है, दिस इज एन एनॉर्मस एडवांटेज. ऑन द अदर हैंड द डिसएडवांटेज ऑफ होम्योथर्मिक इज दैट वीन मे होम्योथर्मिक एनिमल यूज एंजाइम दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर ए नेरो रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ए कंडीशन लाइक हाइपोथर्मिया मे रेपिडली lead to a state of decreased physiological activity in these animal. so ये एक drawback है because कोई भी reaction अगर होना है मान लो उसका enzyme है वो उसकी range है एक temperature की, तो उससे कम temperature अगर होगा जब भी तो उस कम temperature पे उस time पर वो है reaction नहीं होगी, तो वो reaction उस time पे नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है.
एंड सो तो हाइपोथर्मिया यहाँ पे आए, हाइपो यानि कम और थर्मिया यानि कम टेम्परेचर, उस रेंज से कम टेम्परेचर अगर मान लो हो रहा है तो उस समय पे वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, तो उसके रिलेटिवली जो भी उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो नहीं हो पाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एडिशनली अनोदर डिसएडवांटेज इन होम्योथर्मिक हैज़ हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है, जैसे कि एकदम ही कम टेम्परेचर आ गया तो उसको मेंटेन करना है बॉडी टेम्परेचर, तो उसको अपना एनर्जी है एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो एक ये भी ड्रॉबैक है। सो अब पोइकिलोथर्मिक के ऊपर बात करते हैं। पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म हैव टू सर्वाइव एंड अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रेस इज टेम्परेचर चेंज। सो ये कॉमन एक स्ट्रेस है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट के अंदर। सो दिस कैन लीड टू अल्ट्रेशन इन मेम्ब्रेन लिपिड ऑर्डर। सो मेम्ब्रेन, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड ऑर्डर है, PCPE है ना, कोलेस्ट्रॉल, सो उसका ऑर्डर है वो अल्ट्रेशन होता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। इट कैन ऑल्सो काउज प्रोटीन अनफोल्डिंग एंड डीनेचुरेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। सो प्रोटीन का भी एक टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर पर, प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का, ठीक है, फोल्डिंग है वो चेंज हो जाती है प्रोटीन की। सो अगर वो प्रोटीन एक एंजाइम है तो उसका एंजाइम का भी वर्क है वो ख़त्म हो जाता है। सो मेनी टेरिस्टेरियल एक्टोथर्मिक, टेरिस्टेरियल यानी स्थल पर जो भी जैसे रहते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया टेरिस्टेरियल है, और पानी वाला वो भी अलग है लेकिन टेरिस्टेरियल भी होता है स्नेक। सो एक्टोथर्म और पोइकिलोथर्मिक इन नेचर। सो हमने बात की थी दोनों, एक पोइकिलोथर्मिक एक्टोथर्मिक भी होता है, ठीक है, बाहर से टेम्परेचर है उससे रेगुलेट होता है। तो दिस टर्म इज ऑफन अप्लाइड टू एनिमल्स एंड मोस्टली टू वर्टिब्रेट्स थ्रू इट्स इट कैन अप्लाई प्रिंसिपली टू ऑल ऑर्गेनिज्म। सो पोइकिलोथर्मिक एनिमल इंक्लूड वर्टिब्रेट्स एनिमल सच एज फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, जो वर्टिब्रेट में ये आ रहे हैं, एम्फीबियन फिश एंड रेप्टाइल, एज वेल एज मैनी इनवर्टिब्रेट एनिमल ऑल्सो आर पोइकिलोथर्मिक। द नेक्ड मोल रेट एंड स्लोथ आर रियर मेमल्स देट आर पोइकिलोथर्मिक। सो कुछ मेमल्स भी है जैसे कि मोल रेट है, ओके, एंड स्लोथ है। सो ये कुछ रेयर मेमल्स है जो कि पोइकिलोथर्मिक है, उनके अंदर मतलब बाहर जो एनवायरनमेंट में जो है टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग है वो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड बोल सकते हैं हम। सो फर्दर मोर इन मेडिसिन द लॉस ऑफ नॉर्मल थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस इज रेफर टू एज पोइकिलोथर्मिया। This is usually due to sedative and hypnotic drugs such as barbiturates and ethanol and chloral hydrate। ये कुछ ड्रग्स है उसके कारण इस प्रकार की कंडीशन बन सकती है। किस प्रकार की मेडिसिन, द लॉस ऑफ नॉर्मल थर्मोरेगुलेशन। तो हमारे अंदर नॉर्मल थर्मोरेगुलेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो कम टेम्परेचर हुआ, मेटाबॉलिज्म हाई हो गया, हीट प्रोड्यूशन हुआ, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो गया, लेकिन इस प्रकार की कंडीशन आती है जब ये थर्मोरेगुलेशन बंद हो जाती है, कोई भी ड्रग्स है मान लो ड्रग्स हमने देखा तो अब बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं होगा, बाहर से ही है, बाहर के इन्वायरमेंट से इफेक्ट करेगा, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली होगा फिर बॉडी टेम्परेचर। तो इस प्रकार की कंडीशन ह्यूमन में भी होती है, उसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मिया, एक डिजीज है एक प्रकार की।
तो ये एग्जांपल है होमियोथर्मिक एनिमल का, कॉमन फ्रॉग है, ओके। एंड कुछ सिमिलरिटी भी है होमियोथर्मिक एंड पोइकिलोथर्मिक, तो वो देख लेते हैं। सो दिस टर्म्स आर बेस्ड ऑन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, बोथ टर्म रेफर टू एनिमल्स। सो ये कुछ सिमिलरिटी है बिकॉज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के बारे में ही बात करते हैं दोनों में, और दोनों ही एनिमल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। दिस ग्रुप मेंटेन दियर कोर बॉडी टेम्परेचर विद इन ए नैरो रेंज यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजी। बोथ ग्रुप्स कॉन्टेन मेमल्स एंड रेप्टाइल्स। सो मेमल्स अपने पोइकिलोथर्मिक में भी देखा था, ठीक है, रेट एंड स्लोथ, और हमने रेप्टाइल्स तो होते ही हैं, एंड होम्योथर्मिक में मेमल्स होते ही हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलरिटी डिफरेंस एंड पोइकिलोथर्मिक एंड होम्योथर्मिक के बारे में था। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट मैं देखता हूँ, कमेंट एक भी नहीं आता बिकॉज सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना अच्छा लगता है। सो ओके, इतना ही था इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। बाय बाय।